हेलो बच्चों, मैं रविकांत सिन्हा एलिट एग्जाम पॉइंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज आपके लेकर आ गया हूं कंप्यूटर बेसिक का कुछ इंपॉर्टेंट एब्रिविएशन, इसे कहते हैं फुल फॉर्म, जो काफी इंपॉर्टेंट है और काफी सारे एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और साथ साथ में दोस्तों के साथ और अपने सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, ताकि इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो सके। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। AI का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। नेक्स्ट है AM का फुल फॉर्म होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। AM का फुल फॉर्म होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। AMD का फुल फॉर्म होता है एडवांस माइक्रो डिवाइस। ASIC का होता है एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेशन सर्किट। ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ओके, नेक्स्ट है BARC का होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। आप देख सकते हैं यहाँ पर BARC का ऑफिस है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? मुंबई में है, ठीक है। उसके बाद है बेसिक का फुल फॉर्म बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बिगनर्स बेसिक का क्या हो गया? बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है। BIOS का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आप देख सकते हैं यहाँ पर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ये दिया हुआ है आपका, ठीक है। ये ALU है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ALU है, ठीक है। नेक्स्ट है BCR। BCR का फुल फॉर्म क्या है? बार कोड रीडर। BCR का फुल फॉर्म क्या है? बार कोड रीडर। BPI का फुल फॉर्म हो गया बाइट्स पर इंच। BPI का फुल फॉर्म क्या हो गया? बाइट्स पर इंच। BPS का फुल फॉर्म क्या हो गया? बिट्स पर सेकेंड। BPS का बिट्स पर सेकेंड। BPS का क्या हो गया? बिट्स पर सेकेंड। फिर है CAD का हो गया कंप्यूटर एडेड डिजाइन, जिसमें डिजाइन किए जाते हैं। आप देख सकते हैं ये मॉडल जो है CAD का है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। के बाद है CAM मीन्स होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग को बोलते हैं CAM। CD का होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, आप देख सकते हैं ये कॉम्पैक्ट डिस्क है। CDEC का होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जहां आपको एडवांस कंप्यूटिंग सिखाया जाता है वो CDEC का कोर्स होता है। CDR का कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, जहां पर वो चीज रीडाइटेबल या रिकॉर्डेबल है। CPI का होता है कैरेक्टर पर इंच। CPI का क्या होता है? कैरेक्टर पर इंच। CPI होता है कैरेक्टर पर इंच। ओके, नेक्स्ट है CPU। CPU का होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट है CRT, कैथोड रे ट्यूब। ये आपको दिख रहा है CRT मॉनिटर है। पहला मॉनिटर जो है ऐसे आया करता था, CRT मॉनिटर, जिसमें पीछे की ओर आप देख सकते हैं काफी बड़ा और काफी ज्यादा स्पेस कवरिंग वाला ये मॉनिटर था। फिर है CTS। CTS का फुल फॉर्म होता है क्लियर टू सेंड। नेक्स्ट है CU होता है कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट है DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फिर है DDS, डिजिटल डाटा स्टोरेज। नेक्स्ट है DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DOS का फुल फॉर्म क्या हो गया? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DPI का फुल फॉर्म क्या होता है? डॉट्स पर इंच। DRDO का ऑफिस ये हो गया आपका डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग। नेक्स्ट है DVD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो या वर्सेटाइल डिस्क। क्या होता है? डिजिटल वीडियो या वर्सेटाइल डिस्क। ई कॉमर्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ईमेल का क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। EDC, IDC, एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड, EDP, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। EEPROM, इलेक्ट्रॉनिक इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जिसमें प्रोग्राम को डिलीट करके इरेज करके फिर से उसमें जो इलेक्ट्रिकली उसको इरेज कर दिया जाता है और उसमें दोबारा से नया प्रोग्राम डाला जा सकता है। EFT, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ज्यादातर बैंक के द्वारा EFT किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉनिकली आपका फंड जो है जितना अमाउंट का है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंच जाता है, ठीक है। ये ज्यादातर आप देख सकते हैं बैंक में ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। ई कॉमर्स का आप देख सकते हैं, ई कॉमर्स का जहां पर मोबाइल के माध्यम से हम शॉपिंग कर सकते हैं, हमारे घर पर ही जो है सारी चीजें हमारे पास उपलब्ध हो जाती है। नेक्स्ट है EPROM
इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसको बोलते हैं ई पी आर ओ एम। नेक्स्ट है ई आर एन ई टी, ई आर एन ई टी का फुल फॉर्म हो गया एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क, एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क। ई एक्स ई, एग्जीक्यूशन, ई एक्स ई का फुल फॉर्म हो गया एग्जीक्यूशन। एफ ए टी, फाइल एलोकेशन टेबल। एफ डी का फ्लॉपी डिस्क। फिफो, फिफो का फुल फॉर्म क्या हो गया फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, आप देख सकते हैं फिफो का फुल फॉर्म फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और फिलो का, एफ आई एल ओ का फर्स्ट इन लास्ट आउट, फर्स्ट इन लास्ट आउट। एफ एम का फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, हम आजकल एफ एम सुनते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट है गीगो, जी आई जी ओ, गार्बेज इन गार्बेज आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट को हम क्या बोलेंगे गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। जीआईएस क्या होता है ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जीआईएस। जीपीएल जनरल पब्लिक लाइसेंस, जनरल पब्लिक लाइसेंस जीपीएल। जीपीएस का होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, आप यहां पर देख सकते हैं ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जहां पर एक लोकेशन आपको ट्रैक करके दे दिया जाता है कि यहां पर ये स्थित है, यहां पर ये मौजूद है। जीयूआई ग्राफिक यूजर इंटरफेस, ग्राफिक यूजर इंटरफेस है ना, ग्राफिकली जो है यूजर को यूजर फ्रेंडली यू नो इंटरफेस देने वाले, इसको बोलते हैं जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। एचएलएल हाई लेवल लैंग्वेज, एचएलएल का क्या हो गया हाई लेवल लैंग्वेज। एसपी का हो गया हेवर्ड पैकेट, हेवर्ड पैकेट। एचटीएमएल का क्या हो गया हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एचटीटीपी का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आईएसडीएन का इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। आईबीएम, आईबीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, आईबीएम का फुल फॉर्म क्या होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आईसी का इंटीग्रेटेड सर्किट, आईओ का इनपुट आउटपुट, आईपी का इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल आप देख सकते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। आईआरसी इंटरनेट रिले चैट। फोर्टेन का, फोर्टेन का क्या हो गया फॉर्मूला ट्रांसलेशन। एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है जीबी गीगाबाइट्स, जीबी का फुल फॉर्म हो गया गीगाबाइट्स। आईएसओ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, आईएसओ का फुल फॉर्म क्या हो गया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। उसके बाद है आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जेपीईजी, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। जेपीईजी का क्या हो गया जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। नेक्स्ट है केबी किलोबाइट्स, केआईपीएस नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। लैन लोकल एरिया नेटवर्क। लेजर, लेजर, लेजर का फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, लेजर आप देख सकते हैं यहां पर दिख रहा है आपको, लेजर का फुल फॉर्म क्या है, लेजर का फुल फॉर्म क्या हो गया लाइट एम्पलीफिकेशन फॉर स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, जहां पर रेडिएशन पतली लाइन रेडिएशन की निकलती है उसको बोलते हैं लेजर। एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, आप देख सकते हैं ये आपका एलसीडी है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, अब एलडी हो गया आजकल। एलडी का क्या है लेजर डायोड, एलडी का क्या है लेजर डायोड। फिर एलईडी लाइट, एलईडी लाइट लाइट एमिटिंग डायोड। ट्रिपल एल, एल एल एल, एल एल का फुल फॉर्म क्या है लो लेवल लैंग्वेज, एल एल का क्या हो गया लो लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट है एल एस आई लार्ज इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, एल एस आई लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। मैन एम ए एन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क आप देख सकते हैं ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जहां पर बहुत सारे सिस्टम एक दूसरे जुड़े हुए हैं। एम बी, एम बी का होता है मेगाबाइट्स, एम एच जेड मेगाहर्ट्ज, एम आई सी आर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, एम आई डी आई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, एम आई पी एस मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। मॉडेम मॉड्यूलेटर डीमोडुलेटर। मॉफ्स मिलियन ऑपरेटिंग पर सेकेंड, मिलियन ऑपरेटिंग पर सेकेंड, ये एम आई पी एस का फुल फॉर्म है। और देखो ये क्या है हमारा माइकर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक का यहाँ पर चेक है और चेक नंबर के बाजू में दिया जाता है माइकर कोड, माइकर कोड को हम यहाँ से पहचान सकते हैं। एमपीईजी, एमपीईजी का फुल फॉर्म क्या हो गया मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। MP3 का ऑडियो लेयर 3, एमपीईजी ऑडियो लेयर 3। MS का माइक्रोसॉफ्ट, MSI का मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, MSI मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। NICNET, NICNET का फुल फॉर्म हो गया नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर नेटवर्क, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर नेटवर्क।
OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, OPP ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, OS ऑपरेटिंग सिस्टम, OS का ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, हम यहाँ पर देख सकते हैं OMR का चित्र है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं किसका है आपका, ये पूरा आपका मीडियम स्केल इंटीग्रेशन है ये, और ये आपका OCR है ऑप्टिकल मार्क रीडर। नाउ OSS, OSS का फुल फॉर्म क्या हो गया, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, OSS ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। PAL पाल का क्या हो गया, फेस ऑल्टरेशन लाइन। पीसी का पर्सनल कंप्यूटर, पीसी का हो गया पर्सनल कंप्यूटर। पीसीबी का क्या हो गया, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। पीसीबी का क्या हो गया, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। पीसीआई का क्या हो गया, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरनेट, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरनेट। पीडीए पर्सनल डाटा असिस्टेंट, इस प्रकार से दिखता था पीडीए पर्सनल डाटा असिस्टेंट। पीडीएफ का क्या होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पीडीएफ का पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पीएम का क्या हो गया, फेज मॉड्यूलेशन। रैम का क्या हो गया, रैंडम एक्सेस मेमोरी, आप देख सकते हैं रैम का फोटो। नेक्स्ट है आरजीबी, आरजीबी का फुल फॉर्म क्या हो गया, रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू। रोम का रीड ओनली मेमोरी, SCSI का स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, SQL का स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, SIMM सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल, सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल, SSI स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, SVGA सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे, सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे, SVGA सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे, TB टेराबाइट, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, UNIVAC यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, UPS आप देख सकते हैं UPS अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यहाँ पर बिना रुके आपको पावर सप्लाई दिया जाता है कंप्यूटर को, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, USB यूनिवर्सल सीरियल बस, USB यूनिवर्सल सीरियल बस। वैन का क्या हो गया, वैल्यू एडेड नेटवर्क। USB का क्या हो गया, यूनिवर्सल सीरियल बस। वैन का हो गया वैल्यू एडेड नेटवर्क। VCR का क्या हो गया, वीडियो कैसेट रिकॉर्डर, वीडियो कैसेट रिकॉर्डर, आप देख सकते हैं यहाँ पर VCR वीडियो कैसेट रिकॉर्डर। वीडियो का क्या हो गया, वीडियो डिस्प्ले यूनिट, वीडियो का वीडियो डिस्प्ले यूनिट। फिर VGA केबल हो गया, वीडियो ग्राफिक एरे, वीडियो ग्राफिक एरे, आप देख सकते हैं वीडियो ग्राफिक एरे। वायरस का फुल फॉर्म क्या हो गया, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। VLSI का क्या होगा, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। BSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड, विदेश संचार निगम लिमिटेड। वेंड वाइड एरिया नेटवर्क, आप देख सकते हैं वेंड वाइड एरिया नेटवर्क। WLL वायरलेस लोकल लूप, वायरलेस लोकल लूप। WMP विंडोज मीडिया प्लेयर, विंडोज मीडिया प्लेयर। नेक्स्ट है रोम, राइट वंस रीड मैनी, राइट वंस रीड मैनी। WWW वर्ल्ड वाइड वेब, WWW वर्ल्ड वाइड वेब। 2G सेकेंड जनरेशन, 2G सेकेंड जनरेशन। तो ये था बच्चों आज का सेशन, उम्मीद है ये सेशन आपको काफी अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा आप अगले वीडियो का इंतजार करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको फायदा हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए और देखते रहिए एलाइट एग्जाम पॉइंट ऑफिशियल रवि के साथ। थैंक यू सो मच।